हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा रابطہ बहाल रहे। और मैं यहां आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, शायद आप चौंकें भी, परेशान भी हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह वो परेशानी जल्दी रफा भी हो जाएगी। देखिए, हमारे जो असलाफ हैं, सहाबाए किराम के बाद अइम्मा, ये हमारे असलाफ में चोटी में है। इन असलाफ में, इन अइम्मा में दो बुनियादी किस्में हैं, एक मुहद्दिसीन और एक फुकहा। मुहद्दिसीन, उनका काम क्या था? कुरान तो अल्लाह ने खुद जमा कर दिया था, मैं पहले दिन बयान कर चुका हूं हुजूर के सीरे मुबारक में। हुजूर ने सहाबा को उसी तरतीब से कुरान पढ़ा दिया और सैकड़ों सहाबा ने याद कर लिया। फिर जो कमी अगर रह गई थी, किताबी शक्ल में हजरत अबू बकर ले आए। फिर अगर उसमें कोई फर्क पड़ रहा था पढ़ने के अंदाज में, तो एक किताबत के ऊपर जमा कर दिया हजरत उस्मान ने। बात खत्म हो गई खिलाफत राशिदा में। कुरान का मामला तो महफूजियत की आखिरी दर्जे को पहुंच गया। अब असल मरहला क्या था? हुजूर के अकवाल मुबारक को जमा करना, उनको भी तो समेटना है ना। सहाबा हैं, मुंतशिर हो गए हैं, कोई सहाबी कूफे चले गए, कोई सहाबी दमिश चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। मेजबान रसूल जो है वो दफन है कुस्तुनतुनिया की फसील के बाहर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब उन सब के पास, किसी के पास इतनी अहादीस, किसी के पास इतनी अहादीस, इनको जमा करने का काम, फिर छान फटक करने का काम, फिर मुरतब करने का काम, ये किसने किया? मुहद्दिसीन किराम ने। बहुत बड़े मोहसिन हैं इस उम्मत के मुहद्दिसीन किराम, पूरी पूरी जिंदगियां खपाई। ऐसा भी हुआ है, एक सहाबी मदीने से चलते हैं, एक मुहद्दिस मदीने से चलते हैं, उन्हें मालूम होता है कि एक सहाबी दमिश्क में है। एक हदीस वो बयान करते हैं, जरा बारीक बात है समझ लीजिएगा। इनको वो हदीस मालूम थी, लेकिन वो हदीस तीन रावियों के रास्ते से आ रही थी। उनके पास जो हदीस थी वो दो रावियों के हवाले से थी। अब वो जाते हैं और वो बैतुल मुकद्दस का और वो दमिश्क का सफर करते हैं सिर्फ उस हदीस को सुनने के लिए, सवारी से उतरते भी नहीं। मैंने सुना है आप हुजूर की यह हदीस बयान करते हैं। जी हां, जरा मुझे सुना दीजिए। सुना दिया, वैसे ही अपने ऊंट की जो है गर्दन मोड़ ली के वापस, भाई उतरो, ठहरो, क्याम करो। नहीं, मैं सिर्फ एक हदीस रसूल तुमसे सुनने के लिए आया था, मैं अपने इस सफर में कोई और मकसद जमा नहीं करना चाहता। ये काम किया मुहद्दिसीन ने। बहरहाल, मैं इस वक्त जम व तदवीन हदीस के मौजू पर मेरी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे इस जदीद दौर के फितनों में एक फितना है इनकार हदीस का। लोग समझते हैं जैसे कि ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए आराम से किताबें पढ़ते हैं, शायद ऐसे ही मुहद्दिसीन का काम था। उन्होंने जिस तरह जिंदगियां लगाई हैं और जिस तरीके से हदीस को जमा करने के लिए मुशक्कतें झेली है, उसका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो मुहद्दिसीन किराम है, उनमें भी अब एक का नाम नोट कर लीजिए। चोटी पे कौन है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अहमद इबन हम्बल, इमाम इबन माजा, इमाम अबू दाऊद, सब हैं। लेकिन चोटी पर रईसुल मुहद्दिसीन कौन है? इमाम बुखारी। अच्छा, अब तीसरा तबका है हमारे यहां, दूसरा, वो है फुकहा। कुरान भी जमा हो गया, हदीस भी आ गई, अब इससे अहकाम निकालने भी तो है ना, इस्तेदलाल करना है, हदीसों को जोड़ना है, कुरान के साथ उनका रब्त तलाश करना है, और फिर कोई हुक्म तलाश करना है, इज्तिहाद करना है। ये काम जिन्होंने किया उन्हें हम क्या कहते हैं? फुकहाए किराम। और उनमें बहरहाल जो लोग यहां जमा हैं, मुझे यकीन है कि वो इस बात को तस्लीम करते होंगे कि इनमें चोटी पर हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम। ठीक है, किसी की राय जरा मुख्तलिफ भी हो सकती है,
कोई शाफी मसलक का है तो इमाम शाफी को बहरहाल वो ऊंचा दर्जा देगा, मालिकी मसलक का है तो इमाम मालिक से उसे ज्यादा नस्बत है। लेकिन वाकया ये है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि कानून का जितना सेंस इमाम अबू हनीफा को है, कानून एक अलहदा शय है, अखलाकियात अलहदा चीज है, एक शय का अखलाकी तकाजा कुछ और है, कानूनी तकाजा कुछ और है। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, अखलाकी तकाजा क्या है, मुआफ कर दो भाई, और कानूनी तकाजा क्या है, जवाबी थप्पड़ रसीद करो। इसलिए कि अगर ये नहीं करोगे तो इसकी हिम्मत अफजाई होगी, ये किसी और को भी थप्पड़ मारेगा। कानून का तकाजा ये है, असिन्नो बिसिन्न, दांत का बदला दांत, रुजनो बिरुजने, कान का बदला कान, कानून ये है। और अखलाक का तकाजा क्या है, वइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, अगर तुम बख्श दो, माफ कर दिया करो, लोगों से दरगुजर किया करो, फइन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह भी तो गफूरुर रहीम है। तकाजे मुतजाद हो गए कि नहीं। किसी मामले के अखलाकी पहलू को पर नजर रखना यह और मिजाज होगा, और किसी मामले के कानूनी पहलू की गहराई में उतरना यह और मिजाज है। मैं अपना एहसास अर्ज कर रहा हूं, और दुनिया में जो बात मानी गई है कि जिसका नाम लीगल सेंस है, कानून का एक फहम, उसमें दुनिया का कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकता इमाम अबू हनीफा का। आप सहाबा को इनसे मुस्तस्ना कर दीजिए, जाहिर बात है अंबिया और रसूलों का मामला नहीं है, तो बाकी इंसानी नौ इंसानी के अंदर इमाम अबू हनीफा का पल्ले का कोई शख्स, उनके बराबर का कोई शख्स कानून का फहम रखने वाला आज तक पैदा नहीं। तो सैयदुल फुकहा कौन हुए, इमाम अबू हनीफा, और रईसुल मुहद्दिसीन कौन है, इमाम बुखारी। ये सारी जो मैंने इस वक्त आपको तमहीद बयान की, वो इस मसले के लिए परेशान कुन मसला ये है कि इमाम अबू हनीफा की तरफ ये बात मंसूब है कि वो ये फरमाते हैं, अल ईमान व कौलुन, ईमान नाम है सिर्फ कौल का, अमल उसमें जेरे बहस नहीं आता। वला यजीदो वला यंकुस, वो ईमान ना घटता है ना बढ़ता है। एक स्टेटमेंट समझ में आ गया ना। अब दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, वो है इमाम बुखारी का, रईसुल मुहद्दिसीन का, अल ईमान व कौलुन व अमलुन, ईमान नाम है कौल और अमल के मजमूए का, कौल और अमल दोनों चीजें ईमान में शामिल। व यजीद व यनकुस, वो घटता भी है बढ़ता भी है। एक मुसलमान को परेशान हो जाना चाहिए कि नहीं। ईमान जैसी बुनियादी बात, सारा कसर तो यहीं से तामीर होना है, जड़ बुनियाद ईमान है। ईमान के बारे में कोई 14वीं सदी के 15वीं सदी हिजरी के कोई उलमा हो, बड़े से बड़े हो, उनका इख्तलाफ हो जाए तो तशवीश नहीं होगी। ये किनके दरमियान इख्तलाफ हो रहा है, रईसुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और सैयदुल फुकहा इमाम अबू हनीफा। और कितना बुनियादी इख्तलाफ, बज़ाहिर मुतजाद बातें, बज़ाहिर कह रहा हूं मैं। मैंने कहा था मुझे पहले आपको परेशान करना है, फिर ताकि आपकी समझ में बात आए। ये परेशानी रफा कैसे होती, उसी से इल्म में इजाफा होता है। बात जो है वो गहराई के साथ समझ में आती है कि मसला पहले सामने हो। मसले की अहमियत सामने नहीं होगी तो आप तवज्जो उतनी नहीं करेंगे। तो देखिए तजाद कितना है, बोदुल मशरकैन जिसे कहते हैं हम अपने मुहावरे में, कि एक मशरक की बात है तो दूसरी मगरिब की है। अल ईमान व कौलुन, नहीं, अल ईमान व कौलुन व अमलुन, तजाद है ना। ला यजीदो व ला यनकुस, नहीं, यजीदो व यनकुस। तो ये तो मालूम होता है कि बहुत जबरदस्त इख्तलाफ है जो हल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, उसने इसका हल समझाया। और कैसा समझाया, मैं पूरे इंशराह सदर के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई तसन्नो नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं। मेरे नजदीक दोनों बातें 100% दुरुस्त हैं। यह नहीं कि 50% यह दुरुस्त, 50% वो दुरुस्त, नहीं, यह भी 100% दुरुस्त, यह भी 100% दुरुस्त।
فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ فرشتہ کس نے دیکھا، کیا پتا کیسا ہوتا ہے۔ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا، 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی، حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کافر کیا کہیں گے، میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے، اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینہ کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے، اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے۔